तो हम लोग का कुछ पूरा खाली हो गया। इधर सीटिंग कैपेसिटी है 78 और बच्चे हम लोग 4-5 आदमी ही बस। जब ये ट्रेन चली थी ना तो करंट में 200 से अधिक सीट खाली था। नमस्ते जी, मेरा नाम है संदीप कुमार भारती। आज है 20 जुलाई 2022 और स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। आज हम सफर करने वाले हैं 1/20/19 हावड़ा रांची शताब्दी में, जो कि हावड़ा चलती है सुबह के 6:05 पे और रांची छोड़ेगी हमको दोपहर के 1:15 पे। टोटल डिस्टेंस कवर करने वाले हैं हम लोग 419 किलोमीटर और समय लगने वाला है 7 घंटा 10 मिनट और टोटल स्टॉप आएगा 6। ये ट्रेन रविवार को छोड़कर बाकी सब दिन चलती है। मैं सफर कर रहा हूँ चेयर कार में, मेरा कोच है C1 और जानते हैं सीट है 30 नंबर। कि मैं जब NJP हावड़ा शताब्दी किया था ना उसमें भी मेरा सीट था C1 में 30 नंबर और फाइनली कोलकाता छोड़ने का समय आ चुका है। अब इस ट्रिप में मैं कोलकाता नहीं आने वाला हूँ, लगभग ये ट्रिप समाप्त हो रही है और यहाँ से ट्रेन खुलती है 11 नंबर प्लेटफॉर्म से। तो इधर कुछ देख लीजिए ऐसा है और इधर हमारी शताब्दी का जनरेटर कार। तो मैं सफ़र कर रहा हूँ चेयर कार में, तो आपको यहाँ पर टेबल मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अपना वाटर बॉटल होल्डर है, यहाँ पर आप पानी रख सकते हैं। यहाँ पे फुट रेस्ट और ऊपर हो गया रीडिंग लाइट, सामान रख सकते हैं ऊपर। और चेयर कार में 3/2 का कॉम्बिनेशन होता है। हमारा आ चुका है चाय। यहाँ पे मैंने 2 मिल्क पाउडर मंगाया है क्योंकि 2 मिल्क पाउडर डाल के चाय अच्छा बनता है। टिकट, एक शुगर और एक बिस्किट और यहाँ पे है गर्म पानी और पानी का बोतल हम लोग का पहले ही मिल चुका है। तो अभी आ चुका है हम लोग का ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मिला हमको कटलेट, ब्रेड, एक बटर, एक टमाटो केचप और एक मैंगो जूस। और कटलेट गर्म है, ठीक। 157 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं इस ट्रेन की। पहला स्टॉप है दुर्गापुर और दुर्गापुर का स्टेशन कोड है DGR। यहाँ पे टोटल 5 प्लेटफॉर्म है और इस स्टेशन को ओपन किया गया था 1855 में। दुर्गापुर आता है आसनसोल डिवीजन के अंदर। दुर्गापुर कोलकाता आसनसोल के बाद पश्चिम बंगाल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। इस स्टेशन को ना दुर्गापुर को 2019 में भारत में तीसरा सबसे साफ सुथरा स्टेशन का अवार्ड दिया गया था। हम आ चुके हैं धनबाद स्टेशन को, DHN ये आता है धनबाद डिवीजन के अंदर ही और इस स्टेशन को ओपन किया गया था 1880 में। इस ट्रेन में ना दो तरह का कोच है, एक चेयर क्लास और एक एग्जीक्यूटिव चेयर क्लास। हमारी ट्रेन उधर लगी है और हावड़ा से रांची का जो किराया है चेयर कार का वो है 1010 रुपया और जो एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया है 1915 रुपया। जो मैंने टिकट बताया ना उसमें खाना भी इंक्लूड है और हमारी ट्रेन आई है 5 नंबर पे। तो हम लोग का कुछ पूरा खाली हो गया। इधर 4-5 आदमी बचे, देख रहे सीटिंग कैपेसिटी है 78 और बच्चे हम लोग 4-5 आदमी ही बस। और जब ये ट्रेन चली थी ना तो करंट में 200 से अधिक सीट खाली था। ऑलराइट, तो हम लोग आ चुके हैं बोकारो स्टील सिटी और जानते हैं यहाँ से इस ट्रेन का एक नाता है। इस ट्रेन को पहली बार चलाया गया था 1 जुलाई 1995 को हावड़ा से लेकर बोकारो स्टील सिटी, यही वो स्टेशन है, यहाँ तक ही चलाया गया था। लेकिन बाद में इसको 25 अक्टूबर 2001 को इसको हावड़ा से लेकर रांची तक एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। तब से ये ट्रेन हावड़ा से लेकर रांची तक ही चलती है और यहाँ पर हमारी ट्रेन आई है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे। राइट, तो हमारी ट्रेन मूड़ी जंक्शन से निकल गई है। उसके बाद हम लोग को खाना सर्व कर दिया गया है। खाना में पनीर की सब्जी, दाल, चावल, 2 चपाती, एक मदर डेयरी क्लासिक की दही और एक अचार। और जानते हैं इस ट्रेन में केवल 3 लोग ही हैं जो हावड़ा से रांची तक सफ़र कर रहे हैं और 3 लोग ने ही खाना बुक किया था, पूरी ट्रेन खाली है। हावड़ा रांची शताब्दी उधर लग गई है और हम लोग आ चुके हैं 30 मिनट पहले। अभी 12:45 हो रहा है और मैं बता दूँ ना कि खाना एकदम गर्म था इस शताब्दी का। तो बाद में आइसक्रीम भी मिला। इस शताब्दी को वंदे भारत रिप्लेस करने वाली है, कुछ दिन बाद अनाउंस कर दिया गया है और मैं निकलूँगा यहाँ से दिल्ली के लिए राजधानी से। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त। थैंक यू सो मच।